अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हो रही लापरवाही को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य वीर बहादुर सिंह, अधीक्षक अनिल जैन व अन्य डॉक्टर को मीडिया कर्मियों के सामने ही लताड़ लगाए, अस्पताल की व्यवस्थाओं को सही करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के कारण कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन छुपा रहा है। प्रशासन को सच्चाई सामने आनी चाहिए और आम जनता की सेवा करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठा रहे। आम जनता परेशान है। सुनिए विधायक अनिता भदेल ने किस तरह जेएलएन अस्पताल की प्रशासनिक अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पिछली बार हमारी पार्षद की डेथ हुई, उसमें भी मैंने कहा था आपको कि ये डेथ जो है ऑक्सीजन के फ्लक्चुएशन होने के कारण से हुई है और रात को फिर हादसा हो गया। वो जब अखबारों में पढ़ते थे कि फलाना हॉस्पिटल में होते थे कि जेलर की सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी, पर पता पड़ा कि जेलर में तो इससे भी ज्यादा हो रहा है। अखबार में नहीं आने से यह नहीं होगा कि अखबार में नहीं आता इसलिए पता नहीं पड़ता है। पिछली बार हमने आरोप लगाया था, उसके बाद में भी अपन ने कार्यशाली नहीं सुधारी, इसके बाद में भी अपन ने वॉलंटियर ठीक प्रकार से नहीं करी, हमें तो ऑपरेट नहीं करना। अपने आपको क्लीन चिट देंगे, आपको दे देंगे आपकी, हमारी कोई गलती नहीं है, वो पेशेंट की गलती है कि वो बीमार। सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी हमारी व्यवस्था सर, ये ऐसे ही चलती रहेगी और घसीट घसीट के ऐसे चलानी है हमें। मौत के आंकड़े छुपा रहे छुपाओ, और उसके व्यक्ति के घर में से जो जा रहा है ना, मर रहा है, वो तो जिंदगी भर उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। हम किसी की मौत का कारण बने ये ठीक बात नहीं। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हमारी हाथ जोड़ के कि कम से कम अब तो सुधर जाओ, भगवान ने इतनी भयंकर बीमारी दी है। कितने लोगों की जान गई है पता नहीं, रात को आपको दे देंगे। आइए आप।